दूसरा चक्कर मेरे इंडिया का, लेकिन यह दो साल के अंदर मैं दूसरी मत पाया वा। लेकिन एक रुबाई मौला हुसैन लाजपाल की मैं बिल्कुल बचपन तो सुनया वा। भारत की एक शायरा हुई है जिसका नाम है देवी रूप कुमारी, उसने आका हुसैन की शान लिखी है, आख्या क्यों मुसले हो है जो तुसा खुश नसीब हो, लेकिन एक अफसोस किलो एहो जिया हस्तियां मौला ने तुहाडे सिर ते रहमत बना के भेजिया ने, लेकिन तुसानू कदर दा नहीं पता लगा, क्योंकि यार निशंशा दा फरमान है कि मेरे दिल च दो गलां दा अफसोस रहा है। केड़ी केड़ी दा? एक दे मैं जिस शान दा मालक सी मैनू किसी ने वो शान नाल बुलाया समझिया ही, दूसरा जो कुछ मैं जानता सी वो कुछ मेरे को किसे पूछिया ही। ओ देवी रूप कुमारी लिखे है जो मुसलमानों, अगर हुसैन भारत में आते तो पर्दे में उतारे जाते, अगर हुसैन भारत में आते तो पर्दे में उतारे जाते, यूं फातिमा के लखते जिगर धोखे से ना मारे जाते, सजदे करते उनकी चौखट पे सुबह शाम, हिंद की बादशाही में भगवान पुकारे जाते, सजदे करते उनकी चौखट पे सुबह शाम, हिंद की बादशाही में भगवान पुकारे जाते। बचा के दीने खुदा जो खुदा की लाज रखे जुबाने इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। अगर किसी रब को लो मंगना है ना कि कोई तरीका है रब तो मंगो, कभी भी कोई खादी नहीं है, वापस आने का तरीका केड़ा है, केड़ा देख के तू के दवास करा, देख के तू दरबार होए जिथे रोंद हसते गए आख लगा मौला मैं बे औलाद हां, मैं नबी करीम को पूछा कि क्या मेरी किस्मत औलाद कोई नहीं, नबी करीम फरमाया तेरी किस्मत च रब ने लिखी कोई नहीं, मौला मैं इस वास्ते रुंदा रहा वा, मेरे आका हुसैन फरमान लगे तू मेरे नाना कोलो औलाद दा पूछया सी या मंगी सी, आख लगा मौला मैं ते पूछया सी, मेरे मौला फरमान लगे काश तू मंग लेंदा ते कभी भी खादी वापस ना आंदा, सत्कार तेन एक दो तीन चार पांच छह सात पुत्र दिते,
जो आगे ना सब पुत्र तेरा ही नस पिया नाले नशा जा रहे नाले आपका प्या लोगों बचा।
फरिश्ता होया जिसका नाम फितरस वाह मेरे हुसैन तेरिया शाना उसका काम की जब फरिश्तिया ने बिच बैठना सब आखना हो फरिश्ता है तो सोनिच को मेरे नाल दा फरिश्ते आखना हो फितरस गरूर ना बोलिया कर लगी जात तू गरूर कोई पसंद नहीं लेकिन फितरस बादला आया एक दिन ऐसा है सब फरिश्ते बैठे नहीं फितरस आ गया है तो सोनिच को मेरे नाल दा हाले लफ्ज पूरे जुबान पे नहीं आए अल्लाह की जात ने उसके पर सार दिखी आवाज आई सुन उठाओ दूर जजीरे सुनते हो फरिश्ते फितरस सुन उठाया दूर जजीरे सुन दिता है हजारा साल तक दबे रोंदा रहा एक दिन ऐसा है फरिश्ते की कतार बटकी उड़ी जा रही है खुशियां दे सेने गा रहे ने फितरस की नजर पई है जजीरे लम्मा पिया है तड़प रहा है रो रहा है नजर पई आखन लगा फरिश्ते रुक जाओ सब फरिश्ते रुक गए आखन लगा बड़े खुश नजर आते मैं कितने जा रहे हो फितरस मैं नहीं पता असि मुबारक देने वास्ते जा रहे हैं क्योंकि बोला मुश्किल कुशा जी के घर के विच आका हुसैन की आमद होई है फितरस जानता सी के हुसैन भी ते मुश्किल कुशा की शान की रो के आखन लगा मैं भी नाल नहीं जाऊं मैं भी मुबारक दे देवा आखन गया ओना फिश्ते उसने उठाया मुश्किल कुशा के कदम चले फितरस बिठा देता है आप सब आखिर में या अली मुबारक होगी मौला मुबारक या अली शहनशाह की नजर पे ये फितरस पे चल के करीब आए हो फितरस तेरी आंखें चतरू अखल का मौला अल्लाह की जात ने मेरे पर साथ दी हजारा साल होने ने एक यदीर तड़प तड़प के जिंदगी बसर कर रहा हूं आखिर तो एक कदम जा गया मौला मेरे हाल तेरे हम फरमाओ तू सब मुश्किल कुशाओ मेरी मुश्किल हल करो या अली शहनशाह उस फितरस नु फड़िया फड़ के मेरे आका हुसैन दे झूले दे नाल मस कीता जी आका हुसैन दे झूले दे नाल मस कर दिया देर लगी है पर दोबारा वापस आ दिया देर कोई नहीं लगी जदों पर दोबारा वापस आए फितरस सुखिया सब फरिश्तों ने क्या कर दो फरिश्तो है तुसा विच को मेरे नाल दा फरिश्ते आखन लगे मौला देखो ऐ गरूर अरश ते बोलदा सी ते अल्लाह दी जात ने दे पर साड़ दित्ते सी मौला तुसी नु पर दित्ते ने फेर ओही गरूर आखन लगा हां मौला अरशे बरी ते मैं वाके गरूर बोलदा सी लेकिन तुहाडे कदमां दी कसम हो गरूर नहीं हुण मैं सच आखना वा क्या लास्ट बोल मैं पेश कर रहा हूं मौला के कसीदे का तवज्जो करना है बाबा जी आज का रिवाज की है आज का नहीं शुरू तो रिवाज है कि एक बंदा काम करे दूसरा रोके आपस में की होता है झगड़ा ऐसा मैं कभी नहीं देखा है कि मैं कोई काम सवार रहा कि तुसी बगा रहे हो मैं कहा चंगा किया है नहीं लेकिन हैरान की अली गल है बड़ी अजीब गल है के काम रब दे रोके हुए ते मेरे हुसैन दा जपाल कर रहे ने केड़े राही दी किस्मत च किसने औलाद नहीं सी लिखी रब ने ते सत पुत्र दित्ते किसने आका हुसैन ने
फिर दस्ते पर सारे किसने मेरे आका रब आलमी पर दिते किसने हुसैन ने कुर्बानी अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम दे कुर्बानी रोकी किसने मेरे हुसैन ने अगर हुसैन ने गुस्सा नहीं किया तो फिर जाहिर है कि एक गल समझ आ गई है केड़ी इस कायनात के अंदर Thank you.